हाँ दोस्तों, साया ठाकुर। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि हम अभी ब्रोकिंग बिजनेस कैसे करें, बिल्डर के साथ करें, डेवलपर के साथ करें, रिसेल में करें, तो क्या एग्जैक्टली करें। सबसे सिंपल आपको बताता हूँ कि आप एकदम नए हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ दिन कहीं पे जाके तजुर्बा लो। किसी के पास अगर आप जॉब कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। वो परवाह ना करो कि कितनी पेमेंट मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहा है, कितना है, बंदा कैसा है, क्या है। इंटेंशन एकदम क्लियर रखो कि सीखना है अपने को 6 महीने 1 साल। आप पहले ये जान जाओ कि आपका एप्टीट्यूड, मतलब कि क्या मैं इस चीज़ को, मुझे पसंद आ रही करने में, या मैं जल्दी सीख पा रहा हूँ, या इंजॉय कर रहा हूँ जैसे लोग हैं यहाँ पर, या मुझे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी रहती है। किसी को कंप्यूटर दिन भर प्रोग्रामिंग कर सकता है, लेकिन किसी से बात करने को बोले तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसी को फील्ड में काम करना अच्छा लगता है, किसी को बैक ऑफिस में, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो कुछ दिन बेटर होगा कि आप कहीं पे काम करो, 80% तो आपको सब समझ आ जाएगी, दूसरे के पैसे पे सीख लेने का सब कुछ, तो रिस्क कम हो जाता है। अब वो जब सीख जाओ तो अभी शॉर्टकट ये है कि प्राइमरी सेल में उतर जाओ। रिसेल में बहुत पेपर और बहुत सब नेगोशिएशन, बहुत बहुत ये लगेगा आपके। अगर आपके पास वो हुनर है तो आप कर सकते हो। आप नेगोशिएट करते हो या आपको लगता है कि मैं बहुत बेटर सेलिंग में, मैं बेस्ट हूँ, कन्विंस आराम से कर लेता हूँ, फिर तो आप करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एवरेज ही हूँ बस यार, ज़्यादा इतना भी नहीं किसी को पीछे पड़ सकता, क्योंकि चिपकू भी नहीं हूँ, या फॉलोअप वगैरह में, या ज़्यादा बार बार किसी को पटाना अच्छा नहीं लगता, एक बार मैं बोल देता हूँ भाई देख ये है ऐसा है तो ले ले, तो वैसे नहीं काम चलेगा। यहाँ पे शेर भी कुत्ता बन जाता है, ऐसी बात है। तो पटाना पड़ता है यार, लोगों को चीज़ बेच रहे हैं इतनी। तो आपको फिर बिल्डर और डेवलपर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड है कि एक बेचने वाला होता है। कोई भी सेल में क्या होता है, एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा, आप मीडिएटर होते हो। तो ये लोग बेचने वाले हैं, कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं, आपको सर्च करना है खरीदने वाले और जाके वहाँ पे बिठाना है। तो प्राइमरी सेल एकदम बेस्ट रहता है। तो कुछ ज़्यादा मैं कहूँगा ओवरहेड ना बढ़ाएं जब तक कि आपके पास पैसा नहीं आ जाता इनिशियली। जस्ट अकेले से स्टार्ट करो। आपका मोबाइल फ़ोन एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, और एक बाइक होनी चाहिए, और पेट्रोल डालने के पैसे होने चाहिए। मोबाइल का तो रिचार्ज का आजकल उतना रहा नहीं है, 150-200 रुपये में मेरे ख्याल से डेटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग आ जाती है, व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें हो जाती हैं, इंटरनेशनल कॉल वगैरह भी। तो बस पेट्रोल का खर्चा आप बेयर कर सकें, और अच्छे कपड़े पहनने का एकदम शार्प, और जाके एक रेरा नंबर ले लो, कुछ विजिटिंग कार्ड बना लो अपने, और जाके सारे जितने भी आपके आसपास, मतलब 10 20 30 एरिया डिपेंड करता है, शहरों में तो 10 किलोमीटर में भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पर कोई रिमोट एरिया है तो 50 किलोमीटर तक का एरिया में, शुरू में 5 से 50 किलोमीटर तक के एरिया के जो भी नए अपकमिंग बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन आ रहा है, कुछ चालू है, कहीं पे कुछ बोर्ड लगा है, यहाँ पे प्लॉट बिका हुआ है, हर जगह जाके दिन में एक एरिया मार करो, गूगल ही कर लो, वहाँ पे 4 5 जगह ऐसे करो कि पूरा दिन हो जाए सेट, ऐसे विजिट करके आओ। यहाँ पे विजिट करके आया, जाके फिर गूगल पे भी उसके बारे में पढ़ा कि ये बिल्डर कौन है, ये कितने साल से, इसने कितना स्क्वायर फीट का काम किया है। तो थोड़ा ऐसे आप लोगों को जो 5 साल में इंफॉर्मेशन मिलती है, आप 5 महीने में ले सकते हो। फील्ड में गए और यहाँ पे उसके रिव्यू देख लो कि यार अभी हम नया हूँ तो पता नहीं है बिल्डर है क्या, डिलीवरी करेगा क्या सही, कमीशन देगा नहीं देगा, लेकिन उसके बारे में पढ़ लोगे। अगर वो 4 से कम है कोई बिल्डर तो काम ही मत करो उसके साथ। बेटर है कि अच्छे लोगों के साथ काम करो। जब आपके पास चॉइस है तो क्यों नहीं अच्छे के साथ जाने का। हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक एक आपको 1 किलो आम लेना है और सामने वाले के पास 1 ही किलो है, तो आपके पास चॉइस नहीं है, जो है भाई दे दे, है ना। पर किसी के पास 1 ट्रक आम है तो आप तो ढूंढ के लोगे ना, तो आपके पास तो क्या है। देखो ये बायर्स मार्केट है इंडिया में, खरीदार जिसके पास है वो पावर है, बेचने वाले तो इतना चिल्ला रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, टीवी पे दे रहे हैं, प्रिंट मीडिया में दे रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं, तो वो तो बेचने के लिए बैठे हैं, आपको उनको लाना है। तो आप पहले ही अच्छी चीज़ सिलेक्ट करो तो आपको बहुत कम रेजिस्टेंस आएगा, इजीली काम हो जाएगा। अच्छी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढोगे तो जल्दी हो जाएगा ना, जो भी देखेगा पसंद कर लेगा, समझ रहे हो। तो
ये चीजें ध्यान में रख के आप सारा नॉलेज लेते रहो। रोज निकलने का बोलने का कि मैंने भाई डरना नहीं, अपने को लगता है सेल्फ मेड लो है, बड़ा बिल्डर ऐसे हाई फाई, पर जरूरत किसको है, उनको है। आप देने जा रहे हो, आप उनको क्लाइंट लाके दोगे, उनको बिजनेस को प्रमोट करोगे, तो वहां जाना है, जो भी जो चैनल पार्टनर को हैंडल करता है उस आदमी के साथ बैठना है और बोलना मुझे इसकी जानकारी दे दो। अगर आजकल ज्यादा डिजिटल ही होता है पर प्रिंट में है, तो उसके ब्रोशर वगैरह सब उठा के लेके आओ जितना भी देता है, और समझो वो लोग आपको चैंपियन बना देंगे। वो पूरा गाइड करेंगे कि क्या है, यहाँ पे रोड आने वाला है, तो यहाँ पे कॉलेज खुल रहा है, यहाँ पे ऐसा होगा, फ्यूचर में ये होगा। तो आप धीरे धीरे ना, अगर 10-20 ऐसे लोगों के बिल्डर के ऑफिस से जाके आए, आप वो एरिया के एकदम चैंपियन बन जाओगे। आपको सब मालूम हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको सिखा देंगे। और बड़ा तसल्ली से जाके हर एक चीज, मैं तो बोलता हूँ डायरी पेन लेके से एक एक प्रोजेक्ट का नोट करो, लोकेलिटी का क्या स्पेशल है। तो वो बोलेगा कि फ्यूचर में ये DP रोड आ रहा है, यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी होने वाली है, इससे ये हाईवे निकल रहा है, तो इसका वो चालू है, फिर प्राइस के बारे में बताएगा, आसपास क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, IT कंपनी आ रही है, ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में वो बताएगा। USP रहती है हर एक प्रोजेक्ट की। और आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बिल्डर अगर वहाँ पे इतने करोड़ों में पैसे लगा रहा है तो उसने पहले ही सारे सर्वे किए हैं, एनालाइज किए हैं, तभी वो पैसा डाल रहा है, तो वो तो बिकना है। तो उसको समझो हर एक चीज़ को। तो ये आपका काम है, बस ये सारे चीज़ें सीख लिए, अब आपको चाहिए तो आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई ना कोई कोर्स कर लो, अगर करना है तो, अगर पैसे नहीं देना है तो मुफ्त का यूट्यूब पे बहुत लोग हैं, रोज एक वीडियो देखो कि कैसे फ्री में भी कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। पेड़ तो जब पैसे आएगा तो करना ही पड़ेगा, जितना पैसा डालोगे उतना इसमें से आएगा भी, बट कैसे आप सोशल मीडिया का क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो वो आपने चालू करना है, फेसबुक पेज बना देना है, ये आप जब देखोगे तो समझ जाएगा। उसके लिए अलग से या तो या यूडीमी वगैरह के कोर्स हैं, आप देखो छोटे छोटे कम पैसों में 200-500 में मिलते हैं, वो एक कर लिया आपने डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये चीज़ें कर लो तो आपको आदत पड़ जाएगी। और इनके जो बेसिक ऐसे वर्ड्स रहते हैं कि सेलेबल एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, पोजेशन क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, डीड ऑफ असाइनमेंट क्या है, MOU क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बैठे बैठे ऐसे याद करो कि क्या क्या है, कि हर एक बिजनेस की एक लैंग्वेज रहती है, ब्रोकरेज कितना मिलेगा, ये वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी चाहिए कि पार्किंग है तो कैसे है, तो ग्राउंड लेवल है तो ये रो हाउस किसको बोलते हैं, तो बंगलो किसको बोलते हैं, तो डुप्लेक्स और पेंट हाउस में क्या फ़र्क होता है, तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ज़्यादातर टाइम आप गूगल कर करके सब सीखते जाओगे, और प्रैक्टिकली भी जाके देखते रहना है। तो यही कुछ चीज़ें रहती है कि शुरू में जस्ट नॉलेज लेते रहो, रोज नॉलेज लेते रहो 100 दिन तक, तो बिल्कुल एकदम, और इसमें मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है और आना ही चाहिए। उस और जाते जाते सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्यों आप आए हो ये बिज़नेस में, वो पहले क्लियर कर लो। अगर सोच रहे हो कि आता हूँ ट्राई करता हूँ, अगर चला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, तब तो फिर आप रहने ही दो। आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, भाई आ गया हूँ तो अब करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, बर्न द बिजनेस, नो लुकिंग बैक, अभी मैं करूँगा। और जब जब डाउट आया कि यार मेरा नहीं हो रहा है, तो जाके देखो सैटरडे संडे उस बिल्डर के ऑफिस में जाओ, देखो कितना मेला लगा है, कितने लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस तो चल रहा है। मेरा नहीं चल रहा है तो मुझे सीखने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है। वो भाई क्या करता है मुझे देखना है उनको, या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाओ, 3-4 घंटे तक धक्का मुक्की चालू है, लाइन इतनी बड़ी है, तो लोग तो खरीद रहे हैं यार, अपना क्यों नहीं है। खाली फ़र्क यही है, जो खरीद रहे हैं और आपका नहीं, तो आप दोनों के नॉलेज में फ़र्क है। इसलिए मैं बोलता हूँ नॉलेज पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, बस इतनी सी सारी चीज़ है। और इन लोगों के एसोसिएशन में रहना है, अपने जो ग्रुप रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ना, ब्रोकर लोग, उनसे जुड़ जाओ, दोस्ती करो, काफ़ी कुछ इनके डिस्कशन वगैरह में कहीं मिलते हैं तो आपको काफ़ी, और वहाँ पे ये हो गया, इसकी डील हो गई, इसका ऐसा है, तो आप सब सीख जाओगे। क्योंकि जैसा लोगों के साथ जैसे संगत वैसे रंगत, तो इन लोगों से दोस्ती करना चालू करो, स्पेशली जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे, आपको आपको उनकी ज़रूरत है तो उनके पास जाने का, हेलो सर गुड मॉर्निंग बोलने का, थोड़ा सा बैठने का, ये वो किसी ना किसी बहाने सीखने का कि वो कैसे कर रहा है यार ये बंदा इतना बुकिंग, एकदम से कोई बताएगा नहीं बट काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप सुनते रहोगे, आपका एंटीना हमेशा ऊपर रहेगा। आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं सीखते रहता हूँ, कभी नहीं कि मुझे सब पता है। अगर लोग जान जाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो मैं एकदम चुप रह के सुनता हूँ आसपास क्या है, देखता हूँ, तो 2-4 चीज़ें मैं सीख के आता हूँ। ये बिजनेस है कि आप कितनी जल्दी चेंज करते हो, कितनी जल्दी रेडी टू लर्न एंड लिसन, रेडी टू वर्क हार्ड,
रेडी टू स्विच सम हैबिट्स, यू नो, अगर ये आप जल्दी जल्दी करोगे तो बिजनेस जल्दी जल्दी चलेगा, ठीक है। पर हाँ, ऑफिस लूँ, लोग रखूँ, फर्नीचर डालूँ, ये करूँ, ये अभी पुराना कन्वेंशनल तरीका था। अभी नए में कुछ नहीं, बिल्डर का ऑफिस ही अपना ऑफिस है, एसी है, सब चमक दमक है, जाके बैठो, पानी की व्यवस्था है, सब है, यू नो, टॉयलेट वॉशरूम, बस। अभी है मेन है तो डेटा है और लीड जनरेट करना है, तो उसकी बहुत सारी वीडियो हैं, वो आप देख लो, नहीं तो और बना देंगे एक। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।